मेरे साथ डिनर करेगी। इट विल बी अ डिनर डेट। अबीर, तुमसे एक बात पूछूं? अच्छा, घर में घुसने से पहले नहीं पूछा, लेकिन बात करने से पहले पूछ रही हो। सीरियसली बोलो ना। अबीर, तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? मैंने प्यार क्यों किया पार्ट 2? नहीं, तुमने मुझसे प्यार क्यों किया पार्ट 1? अब बताओ ना। ऐसा सवाल तुम्हारे दिमाग में आ भी कैसे सकता है? नहीं, बस मुझे लगा कि तुम्हारे पीछे तो लड़कियों की लाइन लगती होगी ना। सच्ची? कहाँ है? मामी, तुम तो रहने ही दो। तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड भी था। हाँ, नहीं है, मेरे जीजू। उन्हें मैं बॉयफ्रेंड कहती हूँ। पता है, बचपन से मैं उन्हें मनाती रही कि वो मेरे बॉयफ्रेंड बन जाए, लेकिन उन्हें तो नायरा दी के अलावा कोई पसंद आया ही नहीं। मेरी पहली लव स्टोरी अधूरी रह गई। हाँ, लेकिन तुम्हारी दूसरी लव स्टोरी तो पूरी हुई ना। मिष्टी, कभी खुद पर सेल्फ डाउट मत करना। मैं बहुत लकी हूं कि तुम मुझे मिली और तुम मुझसे प्यार करती हो। अबीर, वो कुणाल का रूम है ना? अबीर, हम सो हैप्पी, वो दोनों साथ में इतने खुश हैं। तुम्हें पता है, आज वो कुहो को लेने घर भी आया था। तुम खुश नहीं हो, तुम चिढ़ रही हो। मैं क्यों चिढ़ूंगी? क्योंकि तुम्हारी बहन के पास प्यार करने का लाइसेंस है और तुम्हारे पास नहीं। ऐसे इतना बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो अभी इसी वक्त यहीं पे कुणाल इस वक्त। अबीर, मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मुझे बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी। तुम बहुत स्टूपिड हो, लेकिन तुम्हें बात पहले कैसे समझ में आती? अभी आई मीन, जिन हालातों में शादी हुई, जितनी प्रॉब्लम्स के बाद, उसके बाद उनके बीच में झगड़ा हो गया है। दैट्स ऑल। तुम जानती हो ना उन्हें झगड़ा करना कितना पसंद है। अरे सुबह तक तो दोनों साथ में नाच रहे थे, खुश थे। एग्जैक्टली। तो फिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई कि दोनों एक बेड पे एक साथ नहीं सो सकते? अभी ये एक लव मैरिज है, दोनों ने एक दूसरे को चूज किया है, तो फिर तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए यार। इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? रिलैक्स। नहीं अबीर, ये कोई बड़ी बात है। अबीर, उसने मुझसे कहा था कि किसने क्या कहा था? विदाई के वक्त कुणाल ने मुझसे कहा था कि ये पैसे संभाल के रखना, जब तुम्हारी बहन शादी में फेल होकर घर वापस आएगी ना तो उसके काम आएंगे। उस वक्त मुझे लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। What? उसने तुमसे? अबीर, ये आराम से। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अबीर, फ्रैंकली मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे लगा कुणाल मुझसे गुस्से में कुछ भी कहता रहता है, तो उसने कह दिया होगा। लेकिन आज तेरी शादी है, तू फिर भी इतना सैड है यार। अबीर ने पग फेरे के दिन भी कुहू से पूछा था कि उसके और कुणाल के बीच में सब कुछ ठीक है या नहीं, लेकिन उसने मेरी बात का जवाब देने के बजाय मुझसे झगड़ा कर लिया। अबीर, तब मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। समथिंग इज रॉन्ग अबीर। अबीर, आई एम सॉरी, मैंने इस बारे में तुम्हें पहले नहीं बताया। मैंने भी तो मिष्टी को नहीं बताया कि नान को शादी से पहले। अब बता दो मिष्टी, ये बात मैं भी ठीक से नहीं जानता कि हुआ क्या था, लेकिन वो कौन है वहाँ? अबीर, अबीर आंटी ने मुझे देख लिया। मैं देखता हूँ। अबीर, इतनी देर रात तक तुम जाग रहे हो? किससे बात कर रहे थे? एक्चुअली फॉरेन फाइनेंसर्स का फोन था, उन्हीं से बात कर रहा था। ओह, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो अबीर। अगर मेरे बताने से पहले माँ ने मिष्टी के सामने कह दिया कि कुणाल शादी से भाग गया था, तो वो बहुत हर्ट होगी। अबीर, शादी वाले दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। माँ, जो होना था वो हो गया। इम्पोर्टेंट बात ये है कि शादी अच्छे से हो गई, बस, और कुछ मैटर नहीं करता। पर मेरे लिए तो तुम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, और तुम अब तक ठीक नहीं हो। तुम तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो अबीर, और मैं जानती हूँ कि इसकी वजह क्या है। शादी के दिन कुणाल। माँ, बहुत रात हो गई है, आपको जाके सो जाना चाहिए। आप इतनी देर तक जगेंगी तो आपका बीपी बढ़ सकता है। आप सो जाइए, मैं आपसे कल बात करूँगा। आमिर, तुम मुझसे बात करोगे कल? हाँ। थैंक यू। गुड नाइट। तुम भी सो जाओ। जी। इससे पहले मेरे घर वालों की तरह तुम्हारे घर वाले भी जागने लगे। तुम्हें वापस जाना चाहिए। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। ठीक, घर आ गया। अबीर, एक बात पूछूं? पूछो। अबीर, मैं बड़ी माँ से 2 घंटे भी बात ना करूं तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो तुमने अपनी मॉम से कुहू और कुणाल की शादी वाले दिन से बात नहीं की ना? अबीर, शादी वाले दिन ऐसा क्या हुआ था? तुमने अपनी मॉम से झगड़ा क्यों किया? मिष्टी, माँ और मेरे बीच जो भी चल रहा है उसकी वजह मैं हूं ना। तुमने अपनी मॉम से मेरी वजह से लड़ाई की ना? नहीं मिष्टी, और कुणाल के बीच की प्रॉब्लम्स की वजह भी मैं ही हूँ। तुम और तुम्हारी मॉम बात नहीं कर रहे, उसकी वजह भी मैं ही हूँ। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह भी तुम ही हो। अबीर, आई एम सीरियस। ये जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। माँ और मेरे बीच की नाराजगी अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है। उसकी वजह तुम नहीं हो सकती मिस्टी। माँ और मैं बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि माँ सबको कंट्रोल करना चाहती है और मैं उनके कंट्रोल में आता नहीं हूँ। वो भी मुझसे नाराज रहती हैं, और नान को अपने प्रॉब्लम्स की वजह खुद है। मतलब वो खुद तो बड़ा हो गया है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बच्चों वाला, अभी भी इमैच्योर है। कुणाल और कुहू के बीच में क्या चल रहा है ये मैं कल पता लगा के रहूंगा। ओके? आई नो तुम ये सब मुझे बेटर फील कराने के लिए कह रहे हो, लेकिन मुझे पता है रियल प्रॉब्लम तो मैं ही हूँ। ओके मिष्टी, एंग्री चोरनी, गुड नाइट। सुनो, तुम्हें कैसे बताऊं कि नान को शादी वाले दिन भाग गया था। अब तुम भी फिर से घर से भाग मत जाना, सो जाना, रेस्ट करना। तुम भी सुनो, कल मिलना। हाँ, मैं वेट करूंगी। अब जाऊं? पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे जैसे वो कुछ कहना चाहता है। इतनी देर से मैं तुमसे सच कहना चाहता हूँ, पर बार बार लग रहा है कि तुम अभी नानको के सच के लिए तैयार नहीं हो। पर नानको शादी के दिन भागा क्यों था? अगर मैंने पता नहीं लगाया तो नानको मिष्टी को दोष देता रहेगा और मिष्टी खुद को। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।